दैनिक समाचार में आप सबका स्वागत है। आपको बता दूं कि मुकाम देव स्थान जो फलोरी में स्थित है, वहां पर आज जो वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया, मैं इस वक्त वहां पे मौजूद हूं, जहां पे जो हमें जानकारी दी गई है आयोजकों द्वारा कि 100 से अधिक जो जहाँ करवाई जाएगी, कुछ कुश्तियां हो चुकी है और कुछ कुश्तियां अभी जो चल भी रही है। आप सारे तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ पे पहलवान जो अपने अपने जोहर दिखा रहे हैं और उसी के साथ जो जहाँ के स्थानीय लोग हैं आस पास के, वह भी काफी संख्या में जहाँ पर जो दंगल देखने के लिए उभरे हैं और दंगल का पूरा लुत्फ ले रहे हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे, जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ पहलवान जो है अपना जोर लगा रहे हैं, दंगल लगा रहे हैं और एक अच्छी कुश्ती करके अपनी जो मालियां खा रहे हैं, उसमें आप यही देख सकते हैं पहलवान है उन्होंने आप साफ देख सकते हैं कि कितनी जबरदस्त उनकी तरफ से जो की गई और आखिर में उन्होंने अपने पहलवान उनको हराकर जो माली भी जीती है। उन पर लोगों ने काफी जोर कहा, काफी अच्छा उत्साह जो कोबरा पहलवान का बढ़ाया गया। आप उन्हें दिखा दो कि जहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने बड़ी तादाद में जो दर्शक दंगल देखने के लिए आए यहाँ पर, दंगलों का जो काफी मौत भी ले रहे हैं, काफी मेहनत की है, काफी अच्छा दंगल जो काफी बड़ा दंगल यहाँ पर जो बनवाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पुलिस कर्मियों को भी जहाँ पे आपको मैं जहाँ पे कुछ कुश्तियाँ दिखा गए हैं, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर जो जहाँ पे जब उनके बनाए गए हैं, जहाँ पे जो पहलवान जो अपने जोर दिखा रहे हैं। और आपको इसके साथ ही मैं बता दूं कि जहाँ पे जो पहलवान कुश्तियाँ लेने आए हैं, वह जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी बड़े बड़े नामी पहलवान अपना उठाने और भाग लेने की तरफ से। अगर मैं आपको बता दूं कि इन पहलवानों को नगद राशि इसके साथ साथ जो मालियां देकर भी सम्मानित किया जा रहा है, क्या लेकिन यहाँ पे लाखों के हिसाब से पहलवानों को जो नगद राशियां उसके साथ मालियों पंखे कूलर फ्रिज आदि जो जहाँ पे दिए गए हैं, बाकी आप जहाँ पे देख रहे हैं कि काफी ज्यादा तादाद में लोग काफी सांबा जिले की अगर बात करें तो स्वागत के बाद लोग आता है, जहाँ पर एक बड़ा दंगल विशाल दंगल को आया जाता है, जहाँ के जो महंत है उनको बड़ी माली के लिए जहाँ पे दंगल होने वाला है, वह भी दिखाए आपको जो मुकाम देव स्थान है। Thank you.
स्वागत कर रहे हैं। सारी कमेटी का कहते धन्यवाद है जिन्होंने इस समारोह में इतना काबिल मान सम्मान किया जाना है। सरपंच साहब और इतने खड़ोते अज देखो इन्हें बच्चों को तैयार किया सरपंच साहब ने। मुकाम देवस्थान थलोरी का जो दंगल था उसकी बड़ी माली का जो कुश्ती करवाई गई बहरशीर पहलवान बीजेपुर और राजकुमार पहलवान दिल्ली के साथ करवाई गई बड़ा ही रोमांचक दंगल राज और बड़ा ही रोमांचक जो बड़ी माली का मुकाबला रहा। अब ऐसा देख सकते हैं जो शीर पहलवान है जो मुकाम देवस्थान दंगल के विजेता बने हैं और उनको जो चांदी के बुर्ज नवाजा गया है इसके साथ ही कैश मनी साइकिल और अन्य सामान देकर जो इनको सम्मानित किया गया है। अर्शीद जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कौन सा दाव आपने जो लगाया कि राजकुमार दिल्ली के पहलवान को आपने चित कर दिया कौन सा दाव बेटा रखे पाया मैंने पीछे से बेटा रखे वो कौन सा दाव होता उसका कोई नाम देखने में देखा जाए उस पहलवान की सेहत आपसे थोड़ी ज्यादा थी लेकिन लोगों को उम्मीद थी कि शीत पहलवान विजयपुर के जो है वह उनको हरा देगा आपको कितना कॉन्फिडेंस था जब आप कुश्ती में आए? ये तो मौके पे लग जाता है दाव कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं होता है जितने हारने का तो पता नहीं चलता वो तो जब कुश्ती में दाव लग जाता है तो हो जाता है। हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि एक पहलवान के बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने कितनी मेहनत की है? कौन से अखाड़े से आप? अंतमान अखाड़े से। और रहते विजयपुर में? विजयपुर में। आज तक जहाँ पे कितनी कुश्तियां कर चुके हैं आप खासकर थलोरी की बात कर रहे हैं? तीन चार बार लड़ा। बड़ी मालिक है पहली बार या इससे पहले भी आप थे? दो बार लड़ा हुआ पिछले साल भी लड़ा था। जीते थे कि हारी थी? खासकर युवा आज की डेट में नशे की परम जा रहा है जिससे की वह हमेशा चित होते जा रहे हैं। अगर आपको देखा और अन्य युवाओं को देखा जाए मैंने बहुत बहुत क्या रहा उनमें क्या संदेश देना चाहोगे आप युवाओं को खासकर नशे को लेकर? नशा नहीं करना चाहिए पालन करो सेहत को अच्छी रखो नशे नहीं करना चाहिए। जैसे शीर पहलवान उनसे हमने बात की आपने सुना कि पहलवान बनने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है जब नशे का सवाल किया तो इनको हंसी आई इसका कारण तो मुझे मालूम नहीं लेकिन इनको देख जो लगता है कि जिस तरह से जो फिट है और जिस तरह से उन्होंने दंगल में बढ़ चढ़कर भाग लिया और बड़े माली जो है वो सांभर में विजयपुर में इसको रखा गया काफी अच्छा लगे। क्षेत्र में एक चीज और जाना है तो जिस तरह से आप विजयपुर से हैं और विजयपुर में ही जो दंगल हो रहा है कितना फख्र महसूस होता है कि आप अपने घर में कुश्ती लड़ रहे हैं और बड़ी वाली अगर हार जाते तो कैसा फील करते हैं? हार जीत तो नहीं हुआ हारते ही हम अच्छा लगता है जब अपने इलाके में दंगल लड़ते हैं तो लोगों का प्यार मिलता है। तो जिस तरह से जब आप दाव लगा रहे थे दंगल में जो हमारे पास तस्वीरें भी हैं उस पर काफी शोर जो हमारे लोग आपके फेवर में डाल रहे थे तो उस समय ध्यान लोगों की तरफ होता है जहाँ सिर्फ दंगल की तरफ उस टाइम सिर्फ कुश्ती में ध्यान रहता है लोग जो आपको फेवर करते हैं उस तरफ कोई ध्यान नहीं उससे हौसला बढ़ता है थोड़ा जोश आता है लोगों की वजह से लोगों का अब अच्छी बात है कि जब अपने लोग सपोर्ट करें तो हर बंदा हर मुकाम हासिल कर लेता है लेकिन शीर ने थलोरी मुकाम देवस्थान का दंगल जो है वह आज जीत लिया है ताकि आप लोग भी देखते रहे दैनिक समाचार मुझे और मेरे सहयोगी को दे इजाजत। धन्यवाद।